देखो क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड्स मैथमेटिक्स वेयर सी एंड एस नॉट कम टुगेदर इज। देखो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, इसको बेसिकली अरेंज इस कदर करना है कि सी और एस साथ में नहीं रहे। तो देखो पहले क्या करना है आपको कि इसमें ऐसा करना है कि सी और एस साथ रखें। आप टोटल अरेंजमेंट पहले मैथमेटिक्स का निकाल लो कितना होगा, और उसके बाद फिर क्या करना है आप सी और एस का साथ में निकालना किस कब साथ रहेगा और सब्ट्रैक्ट कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। आप देखो एम कितने बार है, दो बार है, ठीक है, एम दो बार है। ए कितने बार है, दो बार है, ए दो बार हो गया। टी कितने बार है, दो बार है, टी दो बार हो गया। एच कितने बार आपके पास है, एच एक बार है। और ई कितने बार है, एच हो गया। ई कितने बार है, ई एक बार है, ठीक है, हो गया। आई कितने बार, एक बार। और सी कितने बार, एक बार। और एस एक बार। अब काउंट करो, चार चार दो छः, छः तीन नौ और दो ग्यारह। तो आपस में अरेंज करने के लिए पूरे 11 लेटर्स के वर्ड हैं, तो 11 फैक्टोरियल हो गया। ठीक, ये मैथमेटिक्स को अरेंज करने का। अब जो रिपीटेड है उतना से डिवाइड कर देंगे। एम दो बार है इसलिए 2 फैक्टोरियल, ए दो बार है इसलिए 2 फैक्टोरियल, और टी दो बार है इसलिए 2 फैक्टोरियल। यह हुआ पूरे मैथमेटिक्स अरेंज करने का तरीका। अब क्या करो, हम सी और एस को साथ में रख लेते हैं, सी और एस को। अब बाकी कितने पोजीशन बच जाएंगे, 9, 3, 3, 3, 6 और 3, 9। ये 9 को और ये 2 साथ में, तो टोटल ये 9 और एक 2 साथ में से मतलब 10, तो 10 फैक्टोरियल हो गए। ये सी एस साथ में रहेगा, ओके, 10 फैक्टोरियल। अब इसमें से सेम वाले कौन कौन से हैं, तो आप देखो एम दो बार 2 फैक्टोरियल, ए दो बार 2 फैक्टोरियल और टी दो बार 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो सी और एस आपस में। सी और एस को क्या कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई मतलब पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 2 फैक्टोरियल बोले तो 3 रहता तो 3 फैक्टोरियल, अगर यहां 3 लेटर्स रहते तो 3 फैक्टोरियल। ये हो गया, ये सी और एस साथ में आपसे पूछ रहा है, नहीं साथ में आते, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 फैक्टोरियल सब में कॉमन हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज क्या बचेगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और ये 11 फैक्टोरियल माइनस इतना, तो 11 फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 11 माइनस 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो दिस इंप्लाइज 10 फैक्टोरियल इंटू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, सब दो 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 के बराबर होता है, तो 8, तो 10 फैक्टोरियल इंटू 9 बाई 8। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो इस कदर इसको बहुत आसानी से सॉल्व करना था। ठीक है।